मैं कुछ दिन के वास्ते कहीं जाने वाली है। बेटे हमें नहीं लगता है कि उसकी माँ भी कभी वापस आएगी। रानी तुम्हारे लिए कुछ लाई हूँ। रानी बेटा ये देखो मैं कितने सारे तोहफे ले आया तुम्हारे लिए। चलो आओ मेरे साथ। इधर बैठ। ये देखो इतनी सारी मैगजीन्स। आकाश ने तुम्हारे लिए कितने सारे गिफ्ट्स लाए हैं। देखो तुम्हें पसंद आ रहा है कि नहीं। आकाश दो ना रानी को। पसंद आए? अच्छा है ना। और हाँ तुम्हारी सबसे फेवरेट गिफ्ट बताओ। तुम्हारा फेवरेट मेकअप किट। इसमें तुम्हारे मनपसंद सारे सामान। पसंद है? नेल पॉलिश वगैरह सब कुछ है। जो कुछ भी तुम्हें अच्छा लगे सब तुम्हारा ही है। और उससे मैचिंग कपड़े भी। ये देखो नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए। रानी ये क्या कर रही है? रानी नहीं चाहिए कुछ भी। नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। कोई वादा वादा नहीं होता, सब झूठ है। तू झूठी, चमेली झूठी, जावे दीदी झूठी। कोई वादा करके नहीं दे माता, सब वादा तोड़ देते हैं। बरामद मेरे को, मैं सब जान दिए। क्या रे इतने में तेरी सटक ली? हाँ और तूने तो कहा था ना कि तेरी माँ तुझसे बहुत प्यार करती है, फिर तेरी माँ तुझे छोड़ के कहाँ जा सकती है? कहीं नहीं जाएगी। पर ड्राइवर दीदी ने बोला था कि वो नहीं आएंगी। अरे ड्राइवर दीदी की बातों को ना मारो गोली। मैं तुझसे वादा कर रही हूँ ना, मैं तुझे तेरी माँ से जरूर मिलवाएगी। ऐसे यू मिलवा देगी और ये मेरा वादा है। और तेरी ये गोरी दीदी है ना, वो ना बिल्कुल झूठ नहीं बोलती, पक्का वाला वादा करती है। पक्का प्रॉमिस, बाय गॉड की कसम, वादा। मैं तेरे को एक बात बोलूं? अरे बोल ना, जल्दी बोल। तू बड़ी मस्त है रे। और मैं तेरे को एक बात बोलूं? बोल ना। तू भी मस्त है रे। भाग गई बच्ची, ठीक बात है का? वो तो भगवान की कृपा है कि ये बार मिल गई। अच्छा हो जाता तो कहाँ जवाब देते हो कि माँ को? दूसरे की अमानत है, समझ तू है? देख बहुजा, तुम्हार दिल अच्छा है, तुम्हार इरादा नेक है। ऐसा ना हो किसी को मदद करने में आफत गले पड़ जाए। सोच रही है सही कह रही? अब तू एक काम कर, उनकी माँ को फोन लगा और पूछ कब आ रही है उसको लेने के लिए। ओ मैया, अगर मौली जी और गोमती मासी आनी होती तो मैं आपको सच बता देती मैया।
लेकिन इनके सामने सच कहना मुझे ठीक नहीं लग रहा है। अभी मैं कुछ नहीं कह सकती, सही समय आने पर मैं आप सबको सारा सच बता दूंगी। तो क्या है? कुछ नहीं भैया, वो एक्चुअली मैं यही सोच रही थी कि खामखा उसकी माँ को क्यों परेशान करें। कुछ दिनों के लिए बाहर गई है, जल्दी आ जाएगी, तब तक रानी हमारे साथ रहेगी। ये मीठी रानी की माँ को फोन क्यों नहीं करना चाहते? हमें कोई गड़बड़ लगती है। घर नया है, सब लोग भी नए हैं ना, इसके लिए उसका मन नहीं लग रहा होगा। मैं आपको यकीन दिलाती हूँ ना, वो दोबारा घर से कभी नहीं भागेगी, यही पी रहेगी। सच कह मैं ही तो रानी के घर में आ जाने से मुझे और मीठी को बहुत अच्छा लग रहा है। कुछ दिन साथ रहेगी तो आपको भी अच्छा लगेगा। ये सब ठीक है, पर अब वो करेगी कहाँ हमारे घर में? वो छोटे बच्चे नाई, सहेली नाई, हमारे घर में कोई बाल गोपाल नाई, कहाँ करेगी वो यहाँ? ये बाल गोपाल से याद आया कि ऑफिस में हमारा दोस्त है ना योगेश, आज उसके बच्चे का जन्मदिन है। शाम का हमका इनवाइट भी किया उन्हें। हमारा तय तो नहीं था जाने का, लेकिन अब सोच रहे कि चले जाए, और जाए तो रानी को भी साथ ले जाए। हम उम्र के बच्चे को देखेंगे तो उनका मन भी बहल जाए। ले जा, बड़ा मन बहल जाएगा उनका, है? हाँ आकाश, बिल्कुल जरूर ले जाना चाहिए, मगर ये तो आज ही की बात हुई ना, अब रोज रोज तो किसी का जन्मदिन आता नहीं है ना। हाँ जी, हमारे कहने का मतलब है कि एक बार फोन करके तो देखिए रानी की माँ को, पता तो चलना चाहिए ना सबको कि वो कब आने वाली है। ये भी ठीक है, तू फोन तो कर, देख आ गई है का, ला ले घर, तू भी देख ले बच्ची, बच्ची माँ को देख ले। अच्छा, कल दशहरा है, दशहरा की पूजा में बुला ले उनको, है? हाँ, ये ठीक रहेगा, एक बार फोन लगा ही लीजिए रानी की माँ को। मेरी माँ को फोन करने की बात कर रहे हो? ईद वाल रानी चाचा, हम लोग ना आपकी माँ को पूजा पे बुलाने की बात कर रहे थे, है ना मीची? हाँ बड़की जी, जी बिटिया है तो बहुत प्यारी, पर कहा बताएं इतनी शैतान है कि पूरे घर को सर पे उठाए हुए। एक काम करते हैं, इसी मैया को फोन कर देते हैं, उनको भी तसल्ली हो जाएगी और हमको भी, क्योंकि सारी जिम्मेदारी हमारे ऊपर ही आ गई है ना। विद्या अपने घर का फोन नंबर बताओ, हम फोन कर देते हैं, तुम्हारी मैया को बुला लेंगे। बोलो। हाँ बताओ ना, फोन नंबर और पता भी। हाँ बोलो, कहाँ नंबर है बताओ ना रानी, आपकी माँ का नंबर क्या है? नंबर है 7, मेरे जूते का, और पता लापता। दिमाग है सबके लिए पूरी, अगर मेरे को मेरी माँ का नंबर या पता पता होता तो मैं खुद घर नहीं चली जाती, फोन नहीं करती उनको। पागल बोली दीदी, मेरे को ना बहुत भूख लगी है, मेरे को ना वो समोसा चाहिए और उसके साथ वो लाल वाली टमाटर की चटनी भी। लिखा ठीक है। अरे रानी मैडम, आज शाम को एक बर्थडे पार्टी, शाम सबको जाना है। बर्थडे पार्टी बोले तो? अच्छा, उसमें सच के जाना होता है ना? मैं ना इसको बाद में खाऊंगी, मैं भी तैयार होके आती हूँ,
जैसे आप लोग टेबल पे बैठ के खाते हो ना, वैसे ही खाऊंगी, ठीक है? है बहुत प्यारी पर बहुत बोलती और ऐसे बोलत है जैसे गरम तेल में राय फुटती हो। इसकी जुबान बहुत कुछ कह रही। लड़की है 3 फुट की पर दिमाग बहुत तेज है इसका। इसका राज पता चलाना तो जरूर बहुत काम आएगा। क्या कर रही है ये लड़की? रानी, ये क्या कर रही है आप? ओह माय गॉड, इसने तो ऐसा मेकअप किया है जैसे जैसे धंधा करने वाली लड़कियां करती हैं। ए लंबू दीदी, बोल कैसी लग रही है मैं? एकदम आइटम ना?